एक दिन बाई चांस तबले को कोई बोलने का मौका मिल जाए और तबला कोई आपसे सवाल करे या आपसे कोई शिकायत करे तो आप इमेजिन करो कि वो क्या कहेगा आपको। इस दुनिया में अगर बात की जाए कि सबसे अनमोल खजाना क्या है तो बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि पैसा, दौलत, सोना, चांदी। लेकिन असलियत ये है कि सबसे अहम खजाना जो है, अनमोल खजाना जिसको बोलते हैं, वो है गीत, संगीत। संगीत हमारे यहाँ जन्म होता है तो उसकी शुरुआत संगीत के साथ होती है। आखिरी सफर की शुरुआत भी जो होती है वो भी हमारे यहाँ गीत और संगीत के साथ विदाई दी जाती है। पूरे जीवन काल में भी कोई भी हमारी खुशी का मौका हो, कोई सेलिब्रेशन हो, तो गीत संगीत उसमें चार चांद लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने एक चीज नोट की होगी, महफिल किसी तरह की भी हो, एक इंस्ट्रूमेंट आपको हर जगह देखने को जरूर मिलेगा, वो है तबला। चाहे पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, गुरुद्वारे मंदिर में भजन कीर्तन किसी तरह का कोई कार्यक्रम हो, तो तबला आपको जरूर हर जगह देखने को मिलेगा। आज आप सोच रहे होंगे कि मोटिवेशनल की जगह मैं ये म्यूजिकल बातें क्यों कर रहा हूं, तो इसकी सच्चाई ये है कि आज हमारे स्टूडियो में मनन ज्योत सिंह तबला ग्राम, हिंदुस्तान के उभरते सितारे मैं कहूँगा, वो हमारे साथ हैं। आज तबला वादन में इस दुनिया में उनका एक अपना अलग मुकाम है, उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। आइए स्वागत करते हैं मनन ज्योत सिंह जी का तबला ग्राम। थैंक यू सो मच जी। नमस्ते दाब, सत श्री अकाल, कैसे हो अंकल? ठीक हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है मनन जी आपका तबला ग्राम? बहुत बढ़िया। एक्चुअली तबला ग्राम ये वर्ड ना बहुत लोग पूछते हैं कहाँ से आया है, तो नया नया ना इंस्टाग्राम आया था 4-5 साल पहले 6 साल पहले जी, तो वो बड़ा अट्रैक्टिव वर्ड है इंस्टाग्राम, एकदम से वन वर्ड अच्छा लगता है, फेसबुक से भी ज्यादा वर्ड अट्रैक्ट करता है मेरे को इंस्टाग्राम, कैची, बहुत कैची है। तो वहां से मैंने उठाया तबला वर्ड यूज करके और ग्राम उठा लिया, तो तबला ग्राम। तो हम नाइट स्टे पे बैठे हुए थे दोस्तों के साथ, ऐसे ही फीफा खेल रहे थे, तो वहां पे मैं ना तबला बजाता था बचपन से, बट एज सच ऐसा नहीं था कि कुछ प्रोफेशनल करना। तो लोगों ने बोला भाई इंस्टाग्राम शुरू है, यहाँ पे पेज बना। तो मैंने कहा भाई नाम क्या रखूं, मनन ज्योत के नाम से तो चलेगा नहीं। तो वहां से नाम उन्होंने मेरे को नाइट स्टे में दिया तबला ग्राम। क्या बात, क्या बात। ये तबले का आइडिया कैसे आया, क्योंकि इतनी यंग एज में जब आपने तबला बजाना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो नॉर्मली बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, उनको गिटार और दूसरे इंस्ट्रूमेंट, वो जो आजकल कैसियो वगैरह आते हैं, उन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसमें एक तो मेहनत बहुत लगती है और लगन, बड़े सालों तक प्रयास अभ्यास की जरूरत होती है। तो एकदम से कैसे इस तरफ झुकाव बना आपका? एक्चुअली अंकल बचपन से ना पापा जत्था फॉर्म किया हुआ है हमने, एक निष्काम कीर्तनी जी, तो उसको 35-40 इयर्स हो गए हैं उसको, तो बचपन से ही वहां जाते थे हर संडे। तो वहां पे ना अंकल के साथ में जाके मैं बैठ जाता था, तबले वाले अंकल के साथ जाके, जो कोई भी बजा रहे मैं उनके हाथ देखता रहता था बचपन में, 2-3 साल का था जी। तो तब से ही मेरे को ऐसा हुआ भाई ये फिंगर बड़ी तेज चल रही है, ये सीखना है, तो वहां से अट्रैक्ट हुआ तबला। तो पहले हमने स्टार्ट करा, पापा ने एक बार ऐसे ही बिठा दिया आनंद साहब में, तब मेरे को आता नहीं था तबला, बस बिठा दिया, मैं ऐसे शुरू हो गया स्टार्टिंग में, ऐसे फिंगर ऐसे ही शुरू हो गया। तो एकदम से फिर पापा को लगा कि हाँ इसको सीखने का है जुनून, तो इसको प्रोफेशनली सिखाते हैं। तो वहां से उन्होंने ऐसे ही टीचर के पास मेरे को ज्वाइन करा दिया, तो वहां से तबला शुरू हुआ मेरा।
बेसिकली जहां तक मैं समझ पाया हूँ, दो तरह के कलाकार होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। एक तो जो नेचुरल टैलेंट अंदर से जागता है, और एक किसी से इंस्पायर होके हम फिर तब सीखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास करके प्रैक्टिस करके तो फिर अपने आप को थोड़ा सा उसके मास्टर बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। तो आपके केस में हम ये कहें कि आप शुरू से मतलब कि आपका झुकाव था इस तरफ, या प्रैक्टिस करके आप आर्टिस्ट बने तबले के? नहीं, शुरू से ही ना डिवोशनल रहा हूं मैं। जी अच्छा। तो शुरू से ही सैटरडे संडे जाना ही जाना है, और हमारे यहाँ पे गुरुद्वारा साहब में ना 7 से 7:30 आरती होती है, तो वहां पे तबला पिछले 8-10 साल से मैं ही बजा रहा हूँ जी। तो वो आदत बनी हुई है, तो इस कारण वो डिवोशनल बहुत ज्यादा था। तो तबला जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ डिवोशनल में बजता ही बजता है, प्ले होता ही होता है, तो वहां से तबला आया। आज बहुत फेमस है सोशल मीडिया पे, मैं देखता रहता हूँ आपकी अपडेट्स, बहुत अच्छा लगता है। अब तो हजारों नहीं लाखों में लोग फॉलो करते हैं आपको। वाहेगुरु बहुत कृपा करे, इसी तरह बहुत तरक्की करो। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर तबला नहीं सीखा होता, इस फील्ड में नहीं आए होते, तो क्या लगता है कि तब भी आप इतने फेमस हो पाते? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं फेमस हो जाऊंगा विदाउट तबला भी। अच्छा। क्योंकि मैं को क्रिकेटर बनना था। मैं प्रोफेशनली क्रिकेट सीखा हूँ 7 साल अंडर द गाइडेंस ऑफ एएन शर्मा सर, जो कि सहवाग, वरिंदर सहवाग के कोच हैं जी। तो आज भी वो सर के साथ इतना प्यार है, एएन शर्मा सर के साथ, कि मतलब वो बाय नेम मेरे को जानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। बट ड्यू टू कॉलर बोन इंजरी, मेरे इंजरी हो गई थी जी। तो उस कारण मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। बट अगर मेरे इंजरी ना होती तो आज मैं क्रिकेटर होता। क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग थी मेरी और मैं स्टेट खेला हुआ। तबले को लेके आप यंगस्टर्स, जो बहुत सारे बच्चे आपसे अब सीख रहे हैं, उनको क्या एडवाइस करोगे कि क्या इस लाइन में वो अपना भविष्य बना सकते हैं, इस लाइन को अपना करियर बना सकते हैं? आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उस बारे में थोड़ा सा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, मेरे को ऐसा लगता है कि तबला एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। एक उसको फोरग्राउंड बनाने में सिर्फ बोलने वाली बात है कि हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हार्डवर्क होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये सब करना। और एक जैवलिन थ्रो होती थी जिसको किसका नाम ही नहीं पता था, और वो गोल्ड मेडलिस्ट निकला था। तो मेरे को ऐसा लगता है तबला भी एक ऐसा ही एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है, और परकजन इंस्ट्रूमेंट में बेस इंस्ट्रूमेंट तबला ही है। और अगर आपको तबला आता हो तो बाकी इंस्ट्रूमेंट बहुत आराम से बजा सकते हो। जैसा मैं IPL में भी इस टाइम दिल्ली कैपिटल्स का मैं म्यूजिक ड्रम प्ले करता हूँ पिछले 3 साल से, तो वो मैं वहां पे परफॉर्म कर रहा हूँ सिर्फ ये फोरग्राउंड में आने के लिए। हाँ जी। इतना तबला आप बजाते हैं, इतना अभ्यास प्रैक्टिस आप लगातार करते हैं, एक दिन बाई चांस तबले को कोई बोलने का मौका मिल जाए और तबला कोई आपसे सवाल करे या आपसे कोई शिकायत करे, तो आप इमेजिन करो कि वो क्या कहेगा आपको। जैसे मैं रोज उठ के ना तबले को बोलता हूँ आई लव यू, यही इन रिटर्न लव यू टू बोलेगा। लव यू टू, क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब मेरी फैमिली को भी पता होगा कि मैं उठ के बाबा जी और फिर उसके बाद तबला, फिर उसके बाद पेरेंट्स को। ऐसा रहता है। जब कभी बहुत मूड में होते हैं, जैसे मैच का बताया आपने, मैच में आप बजाते हैं, कभी इतनी जोर से कोई ताल बजाई हो कि सामने वाले उसको एंजॉय करने की बजाय डर गए हो कि ये मनन जोत सिंह आज क्या कर रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है? बिल्कुल। जैसा मैं कैफे शोज करता रहता हूँ, क्लब्स में भी करता रहता हूँ शोज, तो वहां पे कई बार यूनिक से टेक्नो म्यूजिक के साथ ज्यादातर करता हूँ मैं, ताकि मैं फोरग्राउंड में तबले को दिखा सकूं। तो टेक्नो म्यूजिक में ऐसा रहता है कि एक नॉर्मल बीट चल रही है और एकदम से मैं फिलर लेके आया तबले का, तो फिलर एक कई बार इतनी तेज हो जाता है वो ऑडियंस कहती है भाई ये क्या कर दिया। तो ऐसा 2-3 बार हुआ है गोवा शो में, अभी पिछले बार मैं गया था तो वहां पे हुआ है। किसी दिन आपका नेक्स्ट डे प्रोग्राम हो, हाँ जी, और रात को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अकेले घर में है, उस दिन आप लगातार घंटों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अचानक कोई भूत आके वहां नाचना शुरू हो जाए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा?
नहीं नचाते तो आए हैं सबको, भूतों को भी नचा देंगे, भूतों को भी नचा देंगे, तबले पे भूत भी नचने लगेंगे। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। कौन कौन से बड़े आर्टिस्ट के साथ या म्यूजिशियंस के साथ आपने तबले की संगत की है अभी तक? बिल्कुल, मैंने बहुत सारे गुणीजन है और बहुत सारे सिंगर्स हैं, जैसे दिलबाग सिंह है जी, रैबिका है और मिक्का सिंह है। अभी मैं जसवीर दसी पाजी के साथ करने जा रहा हूँ परफॉर्म इस पॉडकास्ट के जस्ट बाद, तो बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं जिनके साथ मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। ठीक ठीक, तो बाहर दूसरे कंट्रीज में भी जाने का मौका मिला आपको तबले की वजह से अभी, या अभी इंडिया में ही? इंडिया में ही मतलब सारी सिटीज में कर चुका हूँ परफॉर्म, बाहर इंडिया से बाहर अभी तक नहीं गया मैं। पासपोर्ट बनवा लो जल्दी, अब बार भी इसके बाद आपको मौका मिलेगा पासपोर्ट वीजा अपना रेडी रखो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके बहुत सारे हजारों फैंस हैं जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया पे, जैसे मैं देखता हूँ, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ऑलमोस्ट मैं डेली आपके अपडेट्स देखता हूँ। मेरे अलावा और सबसे बड़ा फैन आपका कौन है? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे बहुत बड़े फैन है तभी वो मेरे से सीख रहे हैं। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी भी मेरे को कुछ नहीं आता तबले में, बस ऐसा है कि जितना मर्जी सीख लो कम है, क्योंकि वो एक समुंदर है एक तरह से तबला। तो मेरे स्टूडेंट्स को मेरा कुछ यूनिक चीजें अच्छी लगती है, जैसे उनको मैं, जैसे 5 साल का बच्चा है तो उसी के साथ मैं 5 साल का बच्चा बन जाता हूँ, तो मैं भी वैसा ही बिहेव करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम कनेक्शन बना लेते हैं सामने वाले के साथ तभी हम उनको क्रैक कर पाते हैं, अगर चाहे हमने सीखना है तब भी और सिखाना है तब भी। आप दोनों तरह से अभी जैसे आपने बताया कि सीख भी रहे हैं अभी, हालांकि बहुत कुछ सीख चुके हैं और आगे सिखा भी रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं आपकी, तो वो मैंने देखा, तो ये आपकी बहुत अच्छी चीज आपने बताई। तो आगे अब आपके क्या प्लान है, कि इसी लाइन को ही आगे लेके चल रहे हैं और इसी में आगे पढ़ाई या और प्रैक्टिस करके तो तबले को ही करियर बनाना है आपने? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट करा था तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तबला इतना वर्सेटाइल है और इतना ब्रॉड है, बट हाँ तबला, तबले में बहुत सारा कुछ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने मास्टर्स करी हुई है तबले में, बैचलर्स में 6 साल करे, फिर मास्टर्स करी, अब मैं PhD कर रहा हूँ तबले में, और साथ में स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, मोर देन 35 स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ, और साथ साथ मैं शोज कर रहा हूँ जिसमें मैं मोर देन 15 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ। तो क्या बात है। हाँ जी, जैम्बे, दरबुका, ढोलक, तबला। तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे आपने एकदम सीख लिए? बस वही मैंने अभी बताया ना स्टार्टिंग में, जैसे परकजन इंस्ट्रूमेंट का जो बेस है ना वो तबला ही है, तो आपको तबला आता होगा ना तो फिर आपको रिदम की नॉलेज तो हो जाएगी, रिदम की सेंस हो जाएगी, फिर उसके बाद बस इंस्ट्रूमेंट लाओ और उस पे बस हाथ रखना है। बट जो स्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे ढोल, ड्रम्स, रोटो ड्रम्स, वो सीखे हैं थोड़े से। आज मैं आपके साथ तबले के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन सच्ची बात मैं ये बताऊं कि मैं तबले के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना तबला मेरे बारे में जानता है। क्या बात है। क्योंकि मुझे म्यूजिक सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी बजाया नहीं, कभी सीखने की कोशिश नहीं की। हमारे टाइम पे ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी और ऐसे मौके भी नहीं मिले, और उसके बाद हालात ने नहीं परमिट किया, काम में इतने बिजी हो गए कि कभी, आप बोल लोग बहुत लकी हो कि इस तरह से मौका मिला और आज अपनी, तो आपको अब लगता है तो नहीं कि कोई रिग्रेट है कि आपने कोई और फील्ड नहीं चुन के तबले को चुना है, या अभी भी मन में है कि शायद मैं कोई और फील्ड चुनता तो ज्यादा बेहतर होता? नहीं नहीं, मैं कोई और फील्ड चुनता तो मेरा आज इतना वजूद ना होता कि मैं आपके साथ बैठा होता। तो तबला इज एवरीथिंग टू मी। मनन जी, आप दुनिया को तो बहुत संगीत सुनाते हैं। हाँ जी। आपके तबले की धूम बड़ी दूर तक जाती है। आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं तो हम ये मौका तो नहीं खोना चाहेंगे कि हम आज से कुछ ना सुने, तो आज कोई एक प्यारी सी धुन छोटी सी हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए प्लीज बजा के दिखाइए।
ये था आज का हमारा सफर। अब हम अपनी रेलगाड़ी से फाइनल स्टेशन तक पहुंच गए हैं। अब आपके रिएक्शंस, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा कि आपको आज का ये सफर तबला ग्राम के साथ कैसा लगा। प्लीज अपने विचार जरूर शेयर करें। मनन जोत सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। मैं तो इतना ही कहूंगा, वाह भाई वाह। मनन जोत सिंह जी, मजा आ गया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। मनन जोत सिंह जी का चैनल तबला ग्राम आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सभी सोशल मीडियाज पे। बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, इनके डेली अपडेट्स आपको मिलेंगे और आप अपने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम ये प्रोग्राम आज खत्म करते हैं। हम सभी की दुआएं आपके लिए कि आपकी हस्ती बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। आपके पास भी अगर मनन जोत सिंह जी जैसा कोई यूनिक खास टैलेंट है और आप या आपके बच्चे उसको दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। हमारी टीम आपसे बात करेगी और हम ये कोशिश करेंगे कि आपके हुनर को, आपके टैलेंट को जमाने के सामने लेके आए। मनन जोत जी, आप चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे एक लाइन में प्लीज? मैं बस यूथ को यही बोलूंगा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो कुछ भी नहीं डालना। ये नहीं कुछ बना दिया डाल दिया, नहीं। हार्ड वर्क इज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। और कंसिस्टेंट रहना, आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई कोई चीज को पकड़ा, मान लो राइटिंग भी कर रहे हो ना, तो उसकी भी 4 घंटे रोज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस इतना ही बोलूंगा, कंसिस्टेंट रहो और हार्ड वर्क करते रहो, चाहे वो मेकअप का भी काम हो ना उसके प्रति भी। थैंक यू जी।